नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। कर्नाटक के विजयपुरा में बिहार के 7 मजदूरों की मौत हो गई है। ये सारे मजदूर जो है एक निजी खाद प्रसंस्करण गोदाम में काम कर रही थी, तभी यह हादसा हुआ और इसमें मौत हो गई है सारे मजदूरों की। बता दें, किसी को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शोक संवेदना व्यक्त की है और मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने का भी ऐलान किया है। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिया है कि मजदूरों का पार्थिव शरीर जो है उनके पैतृक गाँव पहुँचाया जाए, और ये सारी जानकारी जो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ट्विटर के माध्यम से दिया है। वहीं आपको बता दें कि जो पूरी घटना है वो कर्नाटक की विजयपुरा के आलियाबाद औद्योगिक क्षेत्र की बताई जा रही है, जहां एक निजी खाद प्रसंस्करण इकाई के गोदाम में जो है सोमवार शाम जो है चिमनी क्षतिग्रस्त हो गया। इस कारण जो है 100 टन मक्का का ढेर वहाँ काम कर रहे मजदूरों पर जा गिरा। इस ढेर में दबने से बेगूसराय के 3 समेत बिहार के 7 मजदूरों की मौत हो गई है। वहीं एक अन्य मजदूर समेत 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मजदूरों के शव विमान से बुधवार सुबह जो यानी कि आज सुबह जो है लाया जा रहा है बिहार। साथ ही आपको बता दें कि बिहार सरकार ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए सहायता राशि देने की घोषणा की है। वहीं कर्नाटक सरकार भी मृतक मजदूरों के परिजनों को 7-7 लाख रुपए तो घायलों को 50-50 हज़ार रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि मृतकों में समस्तीपुर के राम बालक मुखिया लुखो यादव व राम ब्रिज तथा बेगूसराय के दुलाल चंद मुखिया, शंभू मुखिया और कृष्ण कुमार के अलावा खगड़िया के राजेश कुमार शामिल हैं। दुलाल चंद और शंभू बेगूसराय के गढ़पुरा के सोनमा गांव, तो कृष्ण कुमार बरारी प्रखंड का रहने वाला था। ऐसे में आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर इस बारे में किया है और उसमें शोक संवेदना व्यक्त की है। बताया है कि नीतीश कुमार ने लिखा कि कर्नाटक के विजयपुरा के आलियाबाद औद्योगिक क्षेत्र में एक निजी खाद प्रसंस्करण इकाई में हुए हादसे में बिहार की 7 मजदूरों की हुई मृत्यु दुखद है। शोक संपत्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना है। इस घटना में बिहार के मृतक मजदूरों के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान देने का निर्देश दिया। बिहार के स्थानीय आयुक्त को स्थिति का जायजा लेने तथा हर संभव सहायता उपलब्ध कराने एवं मृत मजदूरों के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव पहुंचाने के लिए सभी समुचित व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही इस हादसे में घायलों के समुचित इलाज की व्यवस्था भी सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। तो आपने वो ट्वीट देखा जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शोक संवेदना व्यक्त करते हुए तमाम जानकारी दी है कि मृतकों का जो पार्थिव शरीर है उनके पैतृक गांव पहुंचाने का भी निर्देश दिया है, घायलों का इलाज के लिए भी कहा है और साथ ही 2-2 लाख रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष से देने का ऐलान भी किया गया है। हालांकि कर्नाटक सरकार ने भी 7-7 लाख रुपए मृतकों के परिजनों को देने का ऐलान किया है। साथ ही 50-50 हज़ार रुपए जो घायल मजदूर होंगे उनको भी देने का ऐलान किया गया है। लेकिन एक बड़ी खबर जो है कर्नाटक से निकल कर आई है। तो फिलहाल इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।